हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नॉलेज हंगामा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आपके इंटरनल एग्ज़ाम में भी बैक लगता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, जो आपका ईयरली एग्ज़ाम होता है, उसमें तो आपका बैक लग ही जाता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे से नहीं लिख पाते हैं तो उसमें तो आपका बैक लग ही जाता है। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो हमारा इंटरनल एग्ज़ाम होता है, जो कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, जो कॉलेज की तरफ से हमें नंबर मिलता है, क्या उसमें भी बैक लगता है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि उसमें बैक नहीं लगता है। कॉलेज वाले बोलते हैं कि बैक लग जाएगा या फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सिर्फ आपको डराते हैं ताकि आप पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बट आपके इंटरनल एग्ज़ाम में बैक नहीं लगता है। हाँ, कॉलेज के हाथ में होता है कि वो आपको कम नंबर दे या फिर ज़्यादा नंबर दे। वहाँ पर जो भी इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, आपका टेस्ट होता है, जो भी आपका वाइवा होता है, जैसे आप उसमें लिखते हैं, जैसे आप उसमें बताते हैं, उसी हिसाब से आपको उसमें कम या ज़्यादा नंबर मिलते हैं। बट उसमें बैक लगने का कोई सिस्टम नहीं होता है। कॉलेज वाले सिर्फ आपको डराते हैं, उसमें बैक नहीं लगता है। जो स्टूडेंट अच्छे से उसमें बताते हैं, जिनका परफॉर्मेंस कॉलेज में या फिर क्लास में अच्छा रहता है, एक डिसिप्लिन में रहते हैं, उनको अच्छा नंबर मिलता है, ज़्यादा नंबर मिलता है। और जिस स्टूडेंट का डिसिप्लिन उतना अच्छा नहीं रहता है, उनको कुछ कम नंबर मिल जाते हैं। कॉलेज डिसाइड करता है कि कौन से स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए या फिर कौन से स्टूडेंट को कम नंबर मिलना चाहिए, ये सभी कॉलेज डिसाइड करता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है, उसमें जो आपको नंबर मिलते हैं, वो किस बेसिस पे मिलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।